राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। करनपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की वजह से यहां बाद में फिर से उम्मीदवार पर्चा भरेंगे और फिर से वोटिंग होगी। अभी आपको बताते हैं कि राजस्थान में अभी तक कितनी फीसदी वोटिंग हुई है, किस किस राजनेताओं ने वोट डाल दिया है और राजस्थान की हॉट सीटों पर क्या हाल है। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। राजस्थान में अभी तक 11 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और लगातार लोग अपने अपने घरों से निकलकर मद्दान कर रहे हैं। मतदान के मद्देनजर लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं रखी गई है। दूसरी ओर इसके मद्देनजर राज्य में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रदेश में मतदान को देखते हुए 1,70,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और राज्य में कुल 52,139 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहे हैं, जहां लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है। वहीं मतदान शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर राजस्थान के लोगों से गारंटी वाली कांग्रेस सरकार को चुनने को कहा है। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और सीएम की रेस में शामिल सचिन पायलट ने भी अपने मतदान से पहले जयपुर में मंदिर जाकर पूजा की और उन्होंने कहा कि बजरंगबली से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि फोटो किसका बड़ा है और पोस्टर में किसका चेहरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे कि नेता कौन होगा। इनके इस बयान का मतलब कांग्रेस के सीएम फेस से है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव बल्लभ ने भी अपना वोट डाला और उसके बाद कहा कि राजस्थान में रोजगार दिलाना, पर्यटन और खनन उद्योग को बढ़ावा देना प्राथमिकता है। मुगल बादशाह अकबर से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप के वंशज और बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवार ने भी अपना वोट डाला और उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार वापस आएगी। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी झालावाड़ में मतदान किया और वो झालरा पाटन की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। वैसे चुनाव के नतीजों के आने के बाद इन पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बीजेपी की सांसद और विद्याधर नगर सीट से पार्टी की उम्मीदवार दिया कुमारी ने भी वोटिंग की और ये जयपुर राजघराने की राजकुमारी भी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी परिवार के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की। तो ये थी कुछ राजस्थान की हॉट सीटें जहां पर मतदान जारी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोटरों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को भी शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट राजस्थान के चुनाव को लेकर। और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।